से और एक काम बढ़ गया, टायर ढीले हुए थे बहुत ज्यादा, तब जो स्प्रिंग होता है वो चेंज कराना है, तब जाके ठीक रहता है। वो निकाल ले हमने टायर, स्प्रिंग लगाना है फिर ठीक रहेगा ना भैया? जी जी ओके। मतलब अच्छा लगाना एकदम बढ़िया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी मॉर्निंग का टाइम आ गया सुबह के, ना रात को हम यहीं पे सो गए थे, लखनऊ सिटी पार्क कर लिया, तो फिर यहीं पे मैंने गाड़ी साइड कर दी। मैंने सोचा बेटर यहीं पे रहेगा सोना, क्योंकि आराम भी जरूरी है और सूखा माल है तो आराम आराम से ही जाना पड़ता है। तो अभी हमने इस ढाबे से मुँह वगैरह धो लिया, अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया, तो अब बस चलते हैं, करते हैं आज दिन की शुरुआत, निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कब तक हम लुधियाना जगराऊ पहुँचेंगे। क्योंकि आज की जो लोडिंग है, मतलब ये हमने बनारस से किया और कहाँ पे ड्रॉप करना है, लुधियाना जगराऊ। तो चले जी, हमारे वीडियो के साथ बने रहे, निकलते हैं, करते आज दिन की शुरुआत। चलो जी, अपना सफर स्टार्ट हो गया, आज दिन की शुरुआत हो गई है, तो चल रहे अपना सफर जा रहा है कंटिन्यू। अभी सुबह सुबह का नजारा आप देख सकते हो, बाहर का सीन कितना ही प्यारा है भाई। और उसी के साथ साथ हमारी गाड़ी में तेल खत्म होने वाला है, तो आप ऐसा समझो जब मैं घर से आया तो फुल टैंकी था, फिर लखनपुर में फुल किया वापस, फिर बनारस से पीछे 30-40 किलोमीटर सुल्तानपुर, हाँ 40 नहीं ज्यादा है, सुल्तानपुर से आगे फिर से मैंने 10,000 का डाला था। अभी तक वही तेल जल रहा है, अभी यहाँ से बोर्ड नजर आ रहा है बरेली 158, शाहजहानपुर 80, तो अभी सीतापुर में हम है। तो मैं सोच रहा हूँ आगे कहीं रुक के अपनी गाड़ी का हेडलाइट वगैरह ठीक करवाना है, क्योंकि एक दो साइड से जो बल्ब है ना ट्यूब, वो जल चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो अब सोच रहे शाहजहानपुर टोल पोस्ट पे अच्छे से कर लेंगे वो काम। क्या करें, जो पंजाब में बॉर्डर बंद है उसकी वजह से हमें यार बहुत अंदर अंदर से घूम के आना पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज दिन को कंटिन्यू चले, ताकि वो रातों रात बाहर हो जाए, वो करवाला पंचकोला वाला रोड जो डेरा बसी हो के हम निकल जाते हैं ना राजपुरम, वो वाला रोड जल्दी में पार हो जाए, क्योंकि यार उधर से टाइम बहुत वेस्ट होता है। ओ भाई साइड करो यार, मेरे पास 7 लाख रुपया नहीं है, साइड हो जा। 7 लाख के चक्कर में गाड़ी के नीचे आते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है भाई, हमारे पास है ही नहीं 7 लाख, मैंने राइडिंग कैश बराबर, उसमें ना गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है यार, ये थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं इससे थोड़ा हल्का। गाड़ी को तेल खत्म होने वाला है, क्योंकि गाड़ी आवाज दे रही है कंटिन्यू। अब मैं देख रहा हूँ पेट्रोल पंप होगा कहीं पे, अब अगर अच्छा रेट था मतलब पंजाब से कम ही था फिर फुल ही कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर 5-10,000 का प्लान डाल देते हैं, जब तक हम पंजाब में एंटर हो जाएंगे। अभी हमें इमरजेंसी में जल्दी में पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा यार। लव यू भाई, लव यू कि हमारा गाड़ी चुप ही नहीं करता, इसको बोलते हैं दे देंगे। अभी हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी, क्योंकि जो मैंने आपको बोला है कि हमें अपने लाइटें वगैरह ठीक कराने हैं, इसीलिए मैं रुका हूँ, और अपनी गाड़ी को ग्रीस वगैरह भी कराते हैं यहीं पे है ना, तब जाके अच्छा लगेगा। और भी थोड़ा सा काम है, क्योंकि पिछले चक्कर हमारी गाड़ी का पट्टा टूटा है, वो भी चेंज कराना है। हाँ पट्टा चेंज कराना है, नया लेना। और क्या, वो टूटा है, बल्ब अच्छा लगाना एकदम बढ़िया। रोज रोज पता नहीं क्यों खराब होते, इससे पहले भी खराब हुआ था।
आखिर मैंने डाला, बट मुझे लग रहा है रात को जब लाइट छोड़ते हैं ना ये गर्म होता है ऊपर से बहुत शीशा। अभी अंदर लाइटों का काम चल रहा है और यहाँ से और एक काम बढ़ गया, टायर ढीले हुए थे बहुत ज्यादा, इसका जो स्प्रिंग होता है वो चेंज कराना है तब जाके ठीक रहता है। ओके, मतलब देखना पड़ता है यार, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि मतलब इस लापरवाही की वजह से बहुत खतरा होता है। इसलिए अभी हमारी गाड़ी में टायर भी निकाली, ऑलरेडी मैंने एंड वगैरह नए डाले थे कुछ दिनों पहले, अब जो छोटे स्प्रिंग पीछे लग जाते हैं ना वो जब मतलब पुराने होते हैं तो वो फिर ढीले हो जाते हैं, इसलिए वो निकाल ले हमने टायर रॉड, स्प्रिंग लगाना है फिर ठीक रहेगा ना भैया। जी जी ओके, फिर प्ले वगैरह नहीं होगा ना, ना। हम अपना सारा काम करके निकल गए, अब बस एक काम हमें पेंडिंग रह गया है जो कि पट्टा टूटा हुआ था वो नहीं मिला वहां पे, वरना वो काम भी कर लेते। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को थोड़ा डीजल डाल लेते हैं क्योंकि हमारी टैंकी खाली हो गई भाई। ठीक है, आवाज कर रही है, चलो चलो जी जल्दी फूल मार दो। रेट देखो एक बारी उतर के ना, रेट चेक कर कि रेट चल रहा है इधर, अगर अच्छा रेट था पंजाब किस, हमारे जम्मू में 83 रुपए रेट है, यहाँ पे 89 है, इसलिए हम 10,000 का डाल। ठीक है, आईफोन है। हाँ ये आईफोन ब्लॉग बनाता है, यूट्यूब पे डालता है वीडियो वगैरह, इसलिए हो गया। अपनी गाड़ी का सेल वगैरह पूरे हमने डाल दिया 10,000 का। और ये रहा अपना भाई मेरे साथ साथ ही है, हिमाचल का भाई रहने वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके, बहुत ही प्यारा बंदा है भाई, क्योंकि कल इसने पूरा हेल्प कर दिया मुझे रसद रुपाल बांधने में। इसको बटाला का माल है, अब हम एक साथ ही चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ओ उसका खलासी तो उधर बैठा है वीडियो ले रहा है। ओ तगड़ी रील बनाना भाई। चलो जी, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, सोच रहा हूँ आगे रुक के कहीं पे पहले खाना खाएगी क्योंकि कहाँ पे आ गई हमारी सुई। चलो फिलहाल तो ये आएगा काम बराबर, वहां तक चलेगा, 10,000 का बहुत है। यहाँ पे थोड़ा महंगा था इसीलिए हमने पूरा फुल नहीं करवाया, अब हम अपना जम्मू में फुल करवाएंगे। जैसे भेड़ के में एंटर होते हैं और लखनपुर बॉर्डर वहीं से हम फुल करते हैं क्योंकि वहाँ पे 83 का रेट है, यहाँ पे 89 का, 6 रुपए का फ़र्क है। तो आप सोचो कितना 1800-2000 का फालतू जाएगा यहाँ पे अगर फुल हम कर लेंगे। मेरी टंकी छोटी है 350 वाली। ज़्यादा पीछे नहीं, बस लो पीछे, बहुत पीछे। ठीक है, फिलहाल खाना खाते हैं, खाना खा के निकल जाते हैं क्योंकि दिन के 2:30 हो गए, बहुत देर हो गया। तो भी भूख बच रही है। ला 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 अभी हम सब्जी वगैरह लेके आ गए तो चल रहे कंटिन्यू अपना सफर। अभी दानिश भाई यहाँ पे खाना बना रहे हैं चलती गाड़ी में और हम पहुंचने वाले हैं रामपुर। ठीक है, तो चले फिलहाल कंटिन्यू रखते हैं, बट आगे जो बॉर्डर बंद है अभी कुछ पता नहीं है कहां से जाते हैं, बट मैं सोच रहा हूं आज इस चक्कर बिजनौर होके जाएंगे अंदर वाले रास्ते से, एक दो टूल बस जाते हैं, बट रोड सिंगल है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज में लग रहा हूं कि कहां से बेस्ट रहेगा, वरना तो उसी अपने वाले रास्ते से जाएंगे। जब मतलब घर से हम आए ना हापुड़ से राइट टर्न लेके सीधा मेरठ क्रॉस करके मुजफ्फरनगर, वहाँ से वो जो पंचकोला सहारनपुर वाला रोड वही टच करना है। ठीक है, तो चलो फिलहाल देखते हैं, आज हमें चलना है 12-1 बजे तक चलेंगे, फिर उसके बाद कहीं साइड करके सो जाते हैं क्योंकि अकेला बंदा है यार और थोड़ा बीमार हूँ, टांग में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है इस प्रॉब्लम की वजह से, आपको पता ही होगा कल के वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, कल मैंने इंजेक्शन लगवाया था पेन किलर, तो अभी इस टाइम तक मतलब अच्छा आराम था, अब फिर से समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या कुछ होगा, इंशाल्लाह बैटरी होगा, जो भी होगा, फिलहाल हमारा खाना तैयार होगा और हम भी चल रहे हैं मजे में।
अभी हमने मेरठ पार कर लिया, तो यहीं पे हमने अपना खाना वगैरह खाया। तो अभी फिलहाल मैंने गाड़ी साइड कर दी क्योंकि अब सुबह के टाइम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि आराम भी जरूरी है, नींद बहुत आ गई इसलिए यहीं पे सोते हैं। तो फिर सुबह इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही होगा घूम के पूरा जाना पड़ता है पूरा, तब जाके पंजाब में एंटर हो पाते हैं, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर बंद है। उस रीजन की वजह से हम मुजफ्फरनगर होके जाते हैं, आगे जो पंचकोला हाईवे है उस पे टच करना पड़ता है, तब जाके हम पंजाब में एंटर हो पाते हैं। तो चलो अभी सोने की तैयारी होगी, कमल वगैरह हम लोगों ने निकाला, तो अब बस करते हैं हम इस प्यारे से व्लॉग को भी यहीं पे एंड। आई होप आप सबको हमारा ये व्लॉग वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय बाय।